बका खानदान को उसकी गद्दी का वारिस मिल गया। लेकिन अभी मेरी खुशियों का पिटारा खत्म नहीं हुआ। हमारे घर की बड़ी बहू अमन मां बनने वाली है। खुश एवरीवन। बहुत जल्द हमारे घर में एक नई जान और हम सब बहुत धूमधाम से उसका स्वागत करेंगे, है कि नहीं? हाय शुक्र। ये हमारे आने वाले पड़पोते के लिए। नहीं नहीं, कुछ टाइम झुकना उठना बंद। राले आशीर्वाद दिया ऐसी भाई के पास। मेरे पास एक और भाई, इससे पहले कि आज का ये प्रोग्राम खत्म हो जाए, मेरे पास एक और खुशी की बात है। बताऊं? बताइए। भाई ऐसा है, छोटा बेटा तो मेरा तो मिल गया वारिस है, अब एक बड़ा बेटा भी है, है कि नहीं? तो मैंने सोचा कि इसको भी जिम्मेवारी दें। मेरी जितनी शुगर की फैक्ट्रियां हैं, मेरा जितना कारोबार है, आज से मेरा बड़ा बेटा रविंदर सिंह बग्गा सब कुछ संभालेगा। तो क्या बात है, तेरे चेहरे पे स्माइल नहीं आ रही? कुछ नहीं तू मेरी इस बात से खुश तो है ना तू? शेख सलाम। वाह भाई, बोलो अरविंदर बग्गा की जय। बोलो अरविंदर बग्गा की जय। और ढोल बज रहे थे, बजते रहो। छोटे भाई को कुछ ना कुछ सबने दिया, तुमने क्या दिया? कुछ दिया कि नहीं? पेट्रोल मोटर डर रहा है मुंह के अंदर। बड़ा भाई है, कम से कम तू इतना तो कह सकता ना कि तेरे पीछे मैं खड़ा हूं, कल को तेरे को कोई तकलीफ हुई तो मैं हूं तेरे साथ। इतना कह सकता कि नहीं कह सकता है? निकल गया चार सर पे सदा भी लोकेशन। मेरा बड़ा बेटा थोड़ा सा मूडी है ना, टेम्परमेंटल है, लेकिन मेरे को पता नहीं जाके जश्न मना रहा होगा। आप लोग भी खा पी के जाइएगा इधर से, हैं? सारा इंतजाम किया हुआ है, कोई भूखा नहीं जाएगा, ठा ठा यहाँ तक पी के जाएगा। बात संभाली पंकज जी ने, पंकज जी को इनाम बताइए। लो सत श्रीकाल जी, सत श्रीकाल। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।